सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं टेक मोहित। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 6 सीपीयूज के बारे में, जो कि हमको एक अच्छी सी अच्छे लेवल की गेमिंग करवा देते हैं इन 2019। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीपीयूज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली है लो बजट, दूसरी है मीडियम बजट और तीसरी है हाई बजट। तो हर कैटेगरी में दो 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 सीपीयूज लिए हैं हमने उस टाइप के। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी सबसे पहले कैटेगरी है वो है हमारी लो बजट कैटेगरी। तो उसमें जो सबसे पहला सीपीयू है वो है हमारा कोर टू क्वाड का Q9400। इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.0 GHz की। 4 कोर 4 थ्रेड मिलते हैं, यानी कि प्रॉपर क्वाड कोर सीपीयू है हमारा गेमिंग के लिए। और 8 MB की कैश मिल जाती है। सॉकेट टाइप इसकी मिलती है हमें LGA775 की, जिससे G31 मदरबोर्ड बिल्कुल ही कंपेटेबल हमें मिल जाता है। और जो इसकी प्राइस है वो हमें मिल जाती है 1000 रुपीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में जो हमारा अगला सीपीयू है वो है हमारा ज़ियोन का E5430। ये भी एक प्रॉपर क्वाड कोर गेमिंग सीपीयू है। हमें इसमें 4 कोर 4 थ्रेड मिल जाते हैं। बेस क्लॉक इसकी है 2.66 GHz की। 12 MB की कैश मिल जाती है हमें Level 2 की। और इसका जो सॉकेट टाइप है वो भी है LGA775 की। तो इसका प्राइस आपको मिलता है वो मिल जाता है 500 रुपीज़। आप इजीली इसे अली एक्सप्रेस से बाय कर सकते हैं। ये सीपीयू आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, आप इसे चाइना से मंगाना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जो दोनों सीपीयू थे वो थे हमारी लो बजट कैटेगरी के। अब हम बढ़ते हैं अपनी मीडियम बजट कैटेगरी तरफ। तो उसमें जो सबसे पहला सीपीयू हमें मिल जाता है वो है हमारा इंटेल का G4560। हमें इसमें 2 कोर और 4 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। जो इसकी बेस क्लॉक है वो है 3.5 GHz की। कैश मेमोरी जो इसकी है वो हमें मिल जाती है वो है 6 MB की Level 3 की। और इसमें हाइपर थ्रेडिंग जो है वो हमें अनेबल मिलती है। और जो इसकी सॉकेट टाइप है वो है LGA1151 की। इसका जो हमें प्राइस मिल जाता है अमेजोन पर और MD कंप्यूटर्स पर वो है 5400 रुपीज़। आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं MD कंप्यूटर से और अमेजोन से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी कैटेगरी में जो हमारा दूसरा सीपीयू आता है वो है हमारा राइजन का 3 2200G। तो इसमें हमें 4 कोर 4 थ्रेड मिल जाते हैं और ये एक सीपीयू के साथ एक एपीयू भी है। इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.6 GHz की। जो इसकी प्राइस मिल जाती है हमें वो है 8130 रुपीज़। कैश मेमोरी मिलती है हमें 6 MB की। और जो इसका सॉकेट टाइप है वो मिलता है हमें AM4 टाइप का। सो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी हाई बजट कैटेगरी तरफ। तो चलिए, जो इसमें सबसे पहला सीपीयू हमें मिल जाता है वो है हमारा i3-8100। इसकी जो बेस क्लॉक मिल जाती है हमें वो है 3.6 GHz की। ये ओवरक्लॉक सपोर्ट करता है। 6 MB की कैश मिलती है Level 3 वाली। 4 कोर 4 थ्रेड मिल जाते हैं। प्राइस है 10,000 रुपये। सॉकेट टाइप इसकी जो है वो है 1151 की, जो कि सेम हमारी है G4560 की। आप इसे अमेजोन से बाय कर सकते हैं, आपको ये वहाँ पर महंगा मिलेगा, रिकमेंडेड है। आप ऑफलाइन जाके बाय करिए, एक अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस प्रोसेसर पर। सो फ्रेंड्स, जो हमें लास्ट सीपीयू मिल जाता है हमारी तीनों कैटेगरीज में से वह है हमारा राइजन का 2600, जिसे कि हम बोलते हैं Ryzen 5 2600। तो हम इसमें 6 कोर 6 थ्रेड मिल जाते हैं। बेस क्लॉक जिसकी है वो है 3.9 GHz की। सॉकेट टाइप है AM4, जैसे कि हमारे Ryzen 3 2200G की है। और 16 MB की कैश मिलती है Level 3 की। और ये ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है। इसको बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये सारे सीपीयू को बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे इन सारे सीपीयूज को इजीली बाय कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।